अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चटोरों का अड्डा। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है चटपटे मसालेदार आलू। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने चटपटे और मसालेदार आलू हैं। तो इसको देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये। आप इसे लंच बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे टी टाइम स्नैक का जो शाम का नाश्ता होता है, छोटी मोटी भूख होती है तो उसको मिटाने के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे पिकनिक स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी रेसिपी होती है ये। तो देख लेते हैं कैसे बनती है। तो ये जो अभी छोटे वाले आलू आ रहे हैं ना विंटर में, तो ये वो वाले आलू से बनती है। तो इसको हमने दो पार्ट्स में काट लिए हैं छोटे आलू को, और इसमें हम फोक की हेल्प से कट्स लगा देंगे जिसमें मसाले अंदर तक चले जाएँ। ये एक नींबू का रस है, तो एक बड़ा नींबू था ये उसका रस है। और ये एक टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, एक टेबल स्पून हल्दी ले लीजिएगा, और वन टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ले लीजिएगा, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये दो टेबल स्पून हमारा खड़ा धनिया है, दो टेबल स्पून हमने खाने वाली सौंफ ले ली है, मोटी सौंफ जो होती है, और ये करी लीव्स हैं जो कि हमने स्टोर करके रखे हुए थे, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वेल एंड गुड। और राई देख लीजिए, ये छोटा वाला जो टी स्पून होता है तो ये उससे है, अगर आप मेजरिंग टीस्पून से लेंगे तो ये हाफ टी स्पून होगा। तो ये हमने राई ले ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पकाने का प्रोसेस। तो ये देखिए आलू है, इसमें सारे आलूओं में अब लग चुके हैं कट्स, और अब हम फोक की हेल्प से इसको कट्स लगा के, और अब हम देखिए ये सौंफ को रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करना है हमें सौंफ को। तो ये देखिए ड्राई रोस्ट हो चुकी है सौंफ। तो अब हम ये धनिए को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ये देखिए। तो इसको ड्राई रोस्ट करके भी हम इसे सेपरेट निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। इनको अब मिक्सर में हम ऐसे ही सूखा पीस लेंगे। तो कुछ ऐसा हमको दरदरा इसे पीस लेना है। मैं इसको जूम करना चाह रही थी, मैं इसको फोकस करना चाह रही थी पर फोकस हो नहीं रहा था। तो बाय द वे इसको हमें वो कर लेना है, अच्छा दरदरा पीस लेना है, बहुत महीन नहीं करना है, बहुत मोटा नहीं। और थोड़ा सा पानी डाल के, एक जग एक कप से थोड़ा सा कम ही लगा था पानी, तो हमको नींबू के रस में ऐड कर देना है। और उसी में जो हमारे सारे मसाले हैं जो हमने अभी दरदरे पीसे हैं वो वाले मसाले, और जो हमने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है, वो तीनों चीज़ें हमें इसमें ऐड कर देनी है। तो ये देखिए सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च नमक और सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी वगैरह। और इसका हमने अच्छा सा स्लरी तैयार कर लिया है, घोल तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इसको पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमको दो टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगा है। तो ये देखिए ये ऑयल हमने लिया है सरसों का तेल, और इसको हम अच्छे से पकने देंगे क्योंकि इसमें एक रॉ स्मेल होती है जो कि खाने में एकदम भी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी इसको हम पकने देते हैं। तो जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो ध्यान रहे कि आप गैस की फ्लेम को एकदम बंद कर दें, क्योंकि जब आप बघार लगाएंगे, जब आप ये करी लीव्स और राई डालेंगे फौरन गर्म तेल में, तो वो एकदम इंस्टेंटली जल जाएगा। तो गैस की फ्लेम जब बंद रहेगी तो जलेगा नहीं। तो अब हम इसमें डाल के ये सारी चीज़ें, अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑन, और उसके बाद हम अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें ऐड कर देंगे आप आलू। तो आलू डाल के आप इसको चारों तरफ तेल से कोट कर दें जिसमें ये अच्छे से फ्राई भी होता रहे, पकता भी रहे।
तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ आलू, हमारे 5-10% जो भी कसर बची है तो वो अभी जब हम स्लरी में आलू पकाएंगे तो वो एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे आलू गल चुके हैं, बस जो थोड़ी बहुत कसर बची है वो हमारे मसालों के साथ जब पकेगा तो एकदम अच्छे से, मैंने इसमें कट इसीलिए लगाए हैं कि अंदर तक मसाला चला जाए, बहुत ही यम्मी रेसिपी बन के तैयार होगी है। इसको हम अच्छे से अभी मिक्स कर देते हैं जिसमें ये मसालों के साथ बहुत अच्छे से पक जाए। अब इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने दें। इसको लेड बंद करके पकने दीजिएगा कम से कम 10 से 15 मिनट तक, तो ये अच्छे से आलू भी पक जाएंगे, मसाला भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद आपकी रेसिपी पूरी तरीके से तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें इस रेसिपी को, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बन के तैयार होती है। बहुत ही कम टाइम में ये तैयार होती है, बहुत ज़्यादा तीन जाम नहीं है, सिंपल आपको आलू को बॉईल करना है, मसालों को भूनना है और बस रेसिपी रेडी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक बन के तैयार होगा, आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं। मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वहाँ पे जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर क्लिक कर दें तो मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी आपको नोटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।